Hello everyone, this is Ali Ahmed signing in from my YouTube channel. तमामी लोगों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से और आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे. तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए. तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक. जैसे कि आप जानते हैं, रिसेंटली अभी स्टीव स्मिथ का कमबैक हुआ टेस्ट मैच में और जिस तरह की परफॉर्मेंस स्टीव स्मिथ ने फर्स्ट टेस्ट मैच में दी अगेंस्ट इंग्लैंड और बैक टू बैक 100, तो उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जो बहुत कॉमन है और आपने उसके एटलीस्ट के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि स्टीव स्मिथ वर्सेस विराट कोहली इन टेस्ट मैचेस. जी, तो ये वो सवाल है कि जो आजकल बहुत वायरल हुआ हुआ है. हर बंदा कंपेयर कर रहा है विराट कोहली को विद स्टीव स्मिथ. तो मैं अपनी राय देने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि अभी ये जो कंपैरिजन हो रहा है, बेसिकली ये ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन टेस्ट मैचेस. तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि जो भी कंपैरिजन हो रहा है वो टेस्ट मैचेस के बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप अक्रॉस फॉर्मेट्स देखें तो नो डाउट विराट कोहली इज़ नंबर वन. और हाँ, अब जो टेस्ट मैच की जहाँ तक बात है, तो अगर आप एवरेजेस देखें, जो कि मैं समझता हूँ कि एक फजूल है देखना, क्योंकि अगर आप पास्ट में देखें जिस तरह 1990s और 80s में होता था, जिस तरह ब्रायन लारा और सचिन को कंपेयर करते थे लोग, तो अगर आप एवरेज वाइज देखेंगे और स्टेट्स वाइज देखेंगे तो यकीनन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप हिस्ट्री लिखते हैं तो वो स्टेट्स को ही देखकर लिखते हैं, स्टेट्स के हिसाब से सचिन तेंदुलकर वे अहेड ऑफ ब्रायन लारा एंड इवन मैनी अदर ग्रेट्स. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रायन लारा जो है वो कुछ तेंदुलकर से कम थे. देखिए, तेंदुलकर अपनी जगह पर एक उनकी वैल्यू है, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज़ लेजेंड, आई वुड से ही इज़ लेजेंड ऑफ लेजेंड्स. मतलब बीइंग एज अ पर्सन भी, और क्रिकेटर तो आपको पता है कि बड़े महान प्लेयर थे वो. और जिस तरह ब्रायन लारा था, ब्रायन लारा की क्लास थी. मतलब बस जितने भी मेरे तमाम सुनने वाले हैं वो मुझसे एग्री करेंगे कि जिस तरह से ब्रायन लारा खेलते थे, वो स्टाइलिश प्लेयर थे, तो मुझे बहुत पसंद थे. तो अब जिस तरह इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो उसी तरह विराट कोहली को स्टीव स्मिथ से कंपेयर करना इवन इन टेस्ट मैच में समझ लो बहुत ज़्यादती है, और डिसाइड करना भी बड़ा मुश्किल है. मगर अगर आप अभी की सिचुएशन पूछें, वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, जो भी करंट सिनेरियो है और जिस तरह से इवॉल्व हुए स्टीव स्मिथ बीइंग अ लेग स्पिनर टू अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, तो उस हिसाब से और जिस तरह से अभी रिसेंट पास्ट में जिस तरह से वो अपना एक टाइम फेस कर आए थे, और उसके बाद आते ही इतने मेंटली स्ट्रांग थे, इतनी विल पावर उनकी स्ट्रांग थी कि उन्होंने आते ही बैक टू बैक 100 कर दी, जिसके इतना प्रेशर होगा. ऑफ कोर्स वो आपने देखा भी होगा, पहले दिन क्राउड कैसा उनको, जब वो बैटिंग के लिए आते तो उनको तंग कर रहा था. तो उस हिसाब से और जिस तरह से उन वो मतलब उनकी जो पहली सेंचुरी थी वो काफ़ी बहुत देर में आई थी, क्योंकि वो 6th to 7th या 8th नंबर पे बैटिंग करते थे, जबकि विराट कोहली शुरू से 4th to 5th नंबर इसी पे बैटिंग करते थे. तो इस लिहाज से और जिस तरह से अभी करंट सिचुएशन है और करंट परफॉर्मेंस है, जिस तरह से इंग्लैंड में स्टीव स्मिथ ने खेला, आई थिंक विराट कोहली ने ऐसा नहीं खेला. ऑल्दो ही परफॉर्म बेटर देन हिज लास्ट सीरीज इन इंग्लैंड, मगर फिर भी जिस हिसाब से और जिस कंडीशंस में विराट कोहली ने खेला है और स्टीव स्मिथ ने खेला है, अगर उसी चीज़ को पर्टिकुलरली कंपेयर कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, और इस चीज़ को कंपेयर करना भी थोड़ा आसान होगा कि इंग्लिश कंडीशंस में अगर हम पहले कंपेयर कर लें तो
स्टीवन स्मिथ इज़ वे अहेड, क्योंकि वो 5-6 सेंचुरी तो कर चुके हैं एशेज में, और आई थिंक उसमें से 2 या 3, आई थिंक सो, या आई थिंक ज़्यादा, वो इंग्लैंड में हैं। तो जबकि विराट कोहली का देखा जाए तो उनकी जो पहली सीरीज़ थी बैक इन 2014 आई गेस, तो उसमें वो बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाए थे, मतलब ही वॉज बिलो द बैट एंड ही डिडन्ट परफॉर्म एट ऑल। मगर उसके बावजूद फिर जब नेक्स्ट सीरीज़ में जब विराट कोहली ने रिसेंटली खेली है, उसमें जो परफॉर्मेंस है विराट कोहली की वो बहुत ज़बरदस्त थी। मगर अब एक और चीज़ देखनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि विनिंग कॉज में किसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर उस हिसाब से भी देखें तो भी स्टीवन स्मिथ है, एवरेज के हिसाब से देखें तब भी स्टीवन स्मिथ है, सेंचुरीज के हिसाब से देखें, अब मैं जो ऑल ओवर बात कर रहा हूँ अब, ठीक है, सेंचुरीज के हिसाब से भी देखें तो आई थिंक दोनों बराबर हैं, ऑल ओवर बराबर हैं। मगर इन इंग्लैंड जगह जो कि समझा जाता है कि सबसे टेस्ट मैचेस में भी एक अलग टेस्ट होता है, अब जब इंग्लिश पिचेस पे खेलते हैं, क्योंकि जिस तरह से सीम स्विंग हो रहा होता है बॉल, और फिर आखिर में जिस तरह 5वें दिन 4थे दिन स्पिन ट्रैक बन जाता है, उस पर सर्वाइव करना बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होना चाहिए आपको उसके लिए। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी तो आप जिसको जो मुझे देखे वो तो स्टीवन स्मिथ थे। बाकी अगर आपकी दूसरी राय है, आप समझते हैं कि विराट कोहली इज़ बेटर देन स्टीवन स्मिथ इन टेस्ट मैचेस, अभी सिर्फ मैं पर्टिकुलरली टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि नहीं भाई विराट कोहली बेहतर ज़्यादा है, और उसके आप रीज़न ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई कहता है कि विराट कोहली बेहतर है तो उसके रीज़न ज़रूर लिखें, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे लिए स्टीवन स्मिथ इसलिए है क्योंकि आपको मैं सारी चीज़ें बताई उस हिसाब से। और दूसरी बात यह कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है स्टीवन स्मिथ की, मतलब अभी उनकी 9-10 रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं तो उसमें हार्डली आई थिंक कोई कम स्कोर है, बाकी तो सारी सेंचुरीज ही हैं, और ओवर 100 की एवरेज है लास्ट 10-12 मैचेस में स्टीवन स्मिथ की। तो उस हिसाब से और स्टीवन स्मिथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कहते हैं कि मैं पूरा दिन भी अगर बैटिंग कर लूँ तो मेरे लिए काम है। अब फिर ऐसे ऐसा बैट्समैन जो जिसका पैशन इतना हो अपनी अपनी फील्ड के लिए और अपनी जो स्पेशलिटी उसके लिए, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो उसकी परफॉर्मेंस में दिख जाता है। ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी एक साइड पर, स्टीवन स्मिथ एक साइड पर, ये फ़र्क है। विनिंग कॉज में जितना स्टीवन स्मिथ ने कंट्रीब्यूट करा है विनिंग कॉज में, विराट कोहली के सेंचुरीज हैं अच्छी खासी और उसमें बहुत सारी विनिंग कॉज में भी होंगी, मगर जब इंग्लैंड में देखते हैं और काफ़ी सारी मैं सीरीज में और में भी देखा है कि विराट कोहली की जो 100 होती है वो सिमिलर लाइक टू तेंदुलकर, मतलब कि वो मतलब विनिंग कॉज में काम नहीं आ पाती, क्योंकि अगर आपको टीम का फ़ायदा नहीं हो रहा दैट मीन्स कि वो परफॉर्मेंस एक तरह से रायगा हो गई, आपके रिकॉर्ड्स में ज़रूर शामिल होगा, आपको प्रेज ज़रूर किया जाएगा, हिस्टोरियंस जब आपके बारे में देखेंगे तो वो आपको रोल मॉडल बनाएंगे ज़रूर, मगर जो विन टू लूज रेशो है वो फिर वहाँ पे आप थोड़ी सी मार खा जाएंगे। तो वहाँ पे स्टीवन स्मिथ लकी हैं कि एक तो उनको टीम ऐसी ऑल ओवर अच्छी मिली कि जहाँ पे डेविड वार्नर भी थे और पहले माइकल क्लार्क थे और डेविड हसी, माइकल हसी बड़े प्लेयर्स थे, उनके साथ उनको खेलने का मौका मिला, वो ग्रूम हुए। विराट कोहली भी लकी थे, उनको इतने बड़े बड़े बैट्समैन जैसे लक्ष्मण हो गए, तेंदुलकर हो गए, उनके साथ खेलने का मौका मिला। बट आई थिंक एक लेग स्पिनर से आना, और जब आपने इतना टाइम अब एक बॉलिंग करी हो और अचानक से आपने फिर बैटिंग शुरू कर दी, और उसमें फिर जब स्टार्ट करी उसके बाद इतना प्रोग्रेस, इतनी इम्प्रूवमेंट कि आप नंबर 1 पे हो गए, जब आपने टेस्ट में टेस्ट से आपको बैन हुआ तब भी आप नंबर 1, अब आते ही अब फिर आप बैक टू बैक 100s कर दिए हैं। तो फिर मेरे लिहाज से स्टीवन स्मिथ में से इन टेस्ट मैचेस।